मोदी आज दोपहर एक दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। उसके मद्देनजर तुलसीपट्टी, हरिहरपुर और सिगड़ा स्टेडियम स्थित उनके दोनों कार्यक्रम स्थल एसपीजी की सीधी निगरानी में रहेंगे। एसपीजी के अधिकारियों का एक दल बाबतपुर एयरपोर्ट पर भी तैनात है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने डीएम एस राजलिंगम के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थलों और उनकी आवाजाही के रूट का निरीक्षण किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी निवेश के अवसरों पर आयोजित सत्र में भाग लेने पहुंचे। ये सत्र महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया था। सत्र की समाप्ति के बाद सीएम मांझी ने ओडिशा में निवेश कर रही कंपनियों के बारे में जानकारी साझा की। अमरावती को राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण पर चर्चा करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक उत्कृष्ट खाका है। उन्होंने आगे कहा कि अमरावती सिर्फ एक राज्य की राजधानी नहीं है, ये देश का गौरव है। अमरावती में APCRDA परियोजना पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, एक उत्कृष्ट खाका है, अब हमें इसे और बेहतर करके क्रियान्वित करना है, ये एक आदर्श राजधानी है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। इस बीच शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा, जो रीजनल पार्टी है उनके भरोसे राजनीति चल रही है, अगर रीजनल पार्टी नहीं होती तो चंद्रबाबू नायडू जी की और नीतीश कुमार जी की तो मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज इंडिया ब्लॉक का जो आंकड़ा है वो रीजनल पार्टी के भरोसे है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के 800 पद शीघ्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सब टॉपिकल एरिया में करीब 1292 करोड़ के शिवा प्रोजेक्ट के तहत 6000 हेक्टेयर जमीन पर बागवानी विकसित की जाएगी। इसे लगभग 15000 परिवारों को लाभ होगा। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण के मामले में स्थानीय लोगों ने याचिका दायर की है। ये याचिका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई है। स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि नगर निगम आयुक्त की अदालत में चल रहे इस मामले को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए जाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता EVM में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव हारने वाले 52 उम्मीदवारों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने इस दावे को खारिज कर दिया। अधिकांश उम्मीदवारों का कहना है कि कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी और भीतरघात के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार लोग डबल इंजन की सरकार को चुनेंगे। PM मोदी के नेतृत्व में हर राज्य में विकास हो रहा है। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम ऐसा स्थान है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी की आस्था और श्रद्धा है। आम आदमी पार्टी हर साल यही ड्रामा करती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर किसानों को दोष दिया जाता है। भारत और दिल्ली सरकार कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे प्रदूषण कम हो सके। हर साल दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान होती है। दिल्ली के लोगों को इस बीमारी का तब तक सामना करना पड़ेगा जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता। दिल्ली की जनता को अस्थमा हो रहा है, बच्चे परेशान हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर NDA की सभी घोषणाएं हुई हैं। क्या क्या बवंडर आएगा वो देखने वाली चीज है। BJP जैसी मजबूत पार्टी को हमने घुटनों के बल पर बैठते हुए देखा है। झारखंड के LJP को कोई जनाधार नहीं है। JDU के प्रचार में कैसे BJP जाएगी हम हैरान हैं। क्या वो नेता भी प्रचार में जाएंगे जिन पर एक लोकप्रिय आदिवासी नेता की हत्या का आरोप है। ट्रायल चल रहा है, सजा निश्चित है। तरस आता है इनकी मजबूरी पर।